बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा उपयोगी इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को। इस मॉडल पेपर से आपको आपके एग्जाम में आने वाले बोर्ड पेपर का भी अंदाज़ा लग जाएगा और साथ साथ में आप इस पेपर में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हैं तो उन्हें आपको कैसे लिखना है। साथ साथ में कुछ मित्रों के मन में एक क्वेश्चन है कि पेपर में कॉपी पर हम पेन से, पेंसिल से या स्केच पेन से किससे चित्र बनाएं, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ में कुछ मित्र हमारे यह क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या इनके जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ बता दें कि यह मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद इंड स्क्रीन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करा रखा है। आज के इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है, 5 कक्का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप सभी अभी के अभी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, अर्थात मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो पोषकों में पूर्ण होता है, अर्थात इसके दो होस्ट होते हैं, मच्छर और मानव, इसीलिए इसे द्विपोषदीय भी कहा जाता है। अब इसे हम स्टार्ट से समझते हैं और आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम मान लेते हैं कि एक मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, जिसके लार में यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसके लार में पाया जा रहा है प्लाज्मोडियम का एक विशेष अवस्था, जिसे हम कहते हैं, नाम याद कर लीजिए, स्पोरोजोइट। एक विशेष संक्रामक अवस्था होती है और यह उपस्थित है इस मादा मच्छर के लार में। अब जब यह मादा मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य के त्वचा में काटती है या किसी मनुष्य के त्वचा में काटती है, तो क्या करती है, इसके लार के साथ साथ जो स्पोरोजोइट हैं वो प्रवेश कर जाते हैं किस में, मानव के रुधिर में। तो इस तरह से मादा जो मच्छर है उसके लार में उपस्थित स्पोरोजोइट, और हमने बताया स्पोरोजोइट जो है वो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है, और ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, काटने के साथ साथ ये मानव त्वचा में रुधिर में पहुंच जाते हैं। अब रुधिर में पहुंचने के बाद ये डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ पर, मानव के यकृत में, यानी इनका जो प्रारंभिक विकास होता है वह होता है मानव के यकृत में। अब यकृत में क्या करते हैं, यकृत में ये अपने आप को अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाते हैं, यानी यकृत की कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं और अपने आप की संख्या खूब ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे एक डिब्बे के अंदर अगर कोई वस्तु अपने आप को बार बार मल्टीप्लाई कर रही तो अंततः वो डिब्बा फट जाएगा। तो इस तरह जो परजीवी यानी जीवाणुज हैं रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले आते हैं, चूँकि त्वचा में काटा तो त्वचा रक्त के संपर्क में है और रक्त के द्वारा ये प्रसंचरित होकर के यकृत यानी लीवर में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लीवर में आ जाते हैं, और लीवर की कोशिकाओं में ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। तो ये जो परजीवी हैं यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित हो जाता है। तो सबसे पहले ये आता है और स्वयं को एकृत कोशिकाओं के अंदर खूब ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। क्या कर लेता है, खूब ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है, और इसके बाद जब ज़्यादा मल्टीप्लाई होने से जो एकृत की कोशिकाएं हैं, ये देखिए जो एकृत की कोशिकाएं हैं ये कुछ स्पोरोजॉइट थे, और फिर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा लिया और फिर और बढ़ा लिया, इस तरह ये क्या हो गए, फट गए। अब फटने के कारण चूँकि कोशिका फट चुकी है तो ये किस में डायरेक्ट आ गए, अब आ गए हैं ये रुधिर में, यानी अब ये पहुंच चुके हैं सीधे सीधे रक्त में, और रक्त में पाई जाती है आरबीसी। क्या पाई जाती है, आरबीसी। तो
तो अब इनका नेक्स्ट शिकार जो होगा, यानी जो अगला हमला होगा, वो ये करेंगे किस में, ये करेंगे लाल रुद्र कड़िका पर, यानी लाल रुद्राणुओं पर। तो रुधिर में ये क्या करते हैं, आ करके जो लाल रुधिर कणिका है यानी RBCs पर आक्रमण करते हैं और उनके अंदर भी अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। परजीवी RBCs में अलैंगिक रूप से जनन करता है और फिर जनन करने के बाद खूब ज़्यादा संख्या अपनी बना लेता है, जिस कारण जो RBC है वो फट जाती है। RBC फट गई और इसके बाद ये चूंकि अब बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए तो ये बाहर निकलते हैं। और इसके साथ साथ ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करते हैं जिसका नाम है अविषालु, नाम भी याद कर लीजिए। हालांकि इसमें डिटेल हमें लिखना नहीं है लेकिन ध्यान रहेगा तो आगे अगर लिखने वाला क्वेश्चन आएगा तो भी हम कर ले जाएंगे। एक विशेष पदार्थ स्रावित करते हैं जिसका नाम है अविषालु हीमोजोइन, हीमोजोइन। जब ये RBC फटती है तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसे कहते हैं अविषालु हीमोजोइन, जिसके कारण क्या हो जाता है, अब शरीर को सिग्नल मिलने लगता है जिससे शरीर में जो ये मलेरिया रोग है इसका प्रभाव देखने लगता है। और इसी पदार्थ के कारण ही शरीर में ठिठुरन और ज्वर होता है। अर्थात अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पदार्थ जब मलेरिया होता है तो ठिठुरन और ज्वर का उत्तरदायी है, तो अविषालु हीमोजोइन। अब चूंकि ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो स्पोरोजॉइट, ध्यान से देखिए, जो स्पोरोजॉइट मादा मच्छर से काटने पर त्वचा के संपर्क में आते हैं और फिर रुधिर से आते हैं एकत्र में और इसके बाद स्वयं खूब ज़्यादा डिवीजन कर लेते हैं और फिर एकत्र कोशिकाओं को फाड़ करके पहुंच जाते हैं रक्त में, जहां इनका अगला शिकार होता है RBC, और RBC में भी अलैंगिक जनन करके और खूब ज़्यादा संख्या बढ़ाते हैं और उसको फाड़ देते हैं। इस प्रकार ज्वर और अन्य लक्षण का चक्र शुरू हो जाता है और मोचित परजीवी जो है वो नई RBCs को भी संक्रमित करते हैं। अर्थात एक RBC अगर संक्रमित हुई थी तो इसमें बहुत सारे बन गए, अब ये फिर से जा करके अगले RBC को संक्रमित करेंगे। तो पहली स्टेज को हमने नाम दिया था स्पोरोजाइट और यहाँ जो RBC को संक्रमित करने के बाद निकल रहे हैं इनका नाम हो जाएगा मीरोजॉइट्स। क्या नाम हो जाएगा, मीरोजॉइट्स, ये भी नाम याद कर लीजिए, मीरोजॉइट्स। तो ये जो विशेष अवस्था होती है वह बन जाती है लैंगिक अवस्था। क्या बन जाती है, लैंगिक अवस्था बन जाती है, यानी यहाँ से निकलने के बाद जो ये अवस्था बन के आई लैंगिक अवस्था वो क्या होगी, मीरोजॉइट्स हो गए। और मीरोजॉइट्स का जो परिवर्धन होता है यानी बढ़ती हैं या इनका पोषण होता है वह होता है RBC के अंदर ही होता है, आप समझिए RBC के अंदर ही होता है। अब चूंकि RBC किस में है, रक्त में है और ये रक्त पूरे शरीर में संचरित हो रहा है और इसमें दो तरह के युग्मक जनन बन जाते हैं, युग्मक जनक बन जाते हैं, एक नर होता है और एक मादा। इस तरह से बहुत सारे युग्मक जनक बन जाते हैं और ब्लड फ्लो के साथ साथ टहलते रहते हैं। अब चूंकि एक मच्छर जो है मादा एनाफिलीज मच्छर और यह व्यक्ति अब संक्रमित हो चुका है, ध्यान से समझिए, यह व्यक्ति अब संक्रमित हो चुका है, संक्रमित व्यक्ति का खून चूसने कोई मादा मच्छर आ जाती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, तो चूंकि व्यक्ति संक्रमित था तो इसका रुधिर भी संक्रमित है और जब मादा मच्छर इसका खून चूसती है तो खून के साथ साथ जो प्लाज्मोडियम के युग्मक जनक हैं उन्हें भी अंदर ले लेती है, यानी अब ये मादा एनाफिलीज वाहक मच्छर बन चुकी है। क्या बन चुकी है, वाहक मच्छर बन चुकी है। तो इस तरह से ये जो नर और मादा युग्मक जनक हैं ये पहुंच चुके हैं कहाँ पे, मादा एनाफिलीज के आमाशय में, कहाँ पहुंच चुके हैं, आमाशय में। तो मादा मच्छर आहार के साथ युग्मक जनक को अंदर ले लेती है। तो अब बात करते हैं इसके आमाशय में क्या होता है, चूंकि युग्मक जनक इसके आमाशय में पहुंच चुके हैं तो आमाशय में ही युग्मक जनक यानी नर और मादा का निषेचन होता है। मादा मच्छर के आमाशय में यानी पेट में युग्मक जनकों का निषेचन और परिवर्धन होता है, मतलब यहीं पर ये बनते हैं और यहीं पर बनने के बाद आमाशय और आंतों में
इनका क्या होता है, परिवर्धन होता है, मतलब ये विकसित हो जाते हैं, विकास विकास यानी स्पोरोजॉइट अवस्था में अब आने वाले हैं। मेरोजॉइट से किस में बनने जा रहे हैं, स्पोरोजॉइट अवस्था में बनने जा रहे हैं। अब जब इनका परिवर्धन हो चुका होता है तो परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं यानी जिन्हें हम हिंदी में जीवाणुज कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाणुज कहते हैं, ये इसको इंग्लिश में स्पोरोजॉइट कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जीवाणुज मादा मच्छर के आंत्र से निकल करके मच्छर की लाला ग्रंथि, जिसे हम लार ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, उसमें आ जाते हैं, और ये है मच्छर के मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि। इन लाला ग्रंथि में आप इन स्पोरोजॉइट्स को देख सकते हैं। तो यही मच्छर, जो ये वाला मच्छर था, ये मच्छर यहाँ से उड़ा और यह जा करके, चूंकि उसके अंदर विकास हो रहा है, ध्यान से समझिए, इसके अंदर विकास हो रहा है, और इसके बाद यह जा करके जब दूसरे किसी व्यक्ति को काटता है, दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो चूंकि ये वाहक मच्छर है और ये इसने स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो स्पोरोजाइट इसके अंदर यानी जीवाणु इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, और इस तरह से पूरा यह चक्र चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। तो इस तरह से आप इसे समझ पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर, जो कि है जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। फिर हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 5 का ख, जीव विज्ञान यानी जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी सहायता निम्नलिखित प्रकार से की है। नंबर 1, जीव विज्ञान रोग जनकों को पहचानने में हमारी सहायता करता है, अर्थात यह रोग किस कारण होता है यह हमें पता चल पाता है। बच्चों आपको बता दें कि जब तक बायोलॉजी या ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध था जिससे हम जान सके कि यह रोग किसके कारण होता है, तो अधिकतर इन सब रोगों को लेकर के अंधविश्वास देखने को मिलते थे। लेकिन जीव विज्ञान की मदद से आज कौन सा रोग हो रहा है, कौन से लक्षण होंगे और कैसे उपचार होगा, यह बायोलॉजी द्वारा संभव हो सका है। तो रोग फैलने वाले रोग जनकों का जीवन चक्र कैसा होता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है रोग जनक के मानव में स्थानांतरण की क्रियाविधि कैसी ही, अर्थात हम जान पाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम का जो पोषक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज यानी वाहक का कार्य करता है। तो अगर हम मादा एनाफिलीज को काटने नहीं देते हैं खुद को, तो हमें मलेरिया नहीं होगा, जिस कारण हम उस क्रियाविधि को समझने के बाद उसका निदान और उपचार कर पाते हैं, रोकथाम कर पाते हैं कि हम मच्छरदानी का इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई अन्य विधि अपनाते हैं जिससे हम मच्छर नहीं काटते हैं। तो हम रोग जनकों के मानव में स्थानांतरण की क्रियाविधि को भी समझ पाते हैं। साथ साथ में अगला पॉइंट हो जाएगा कि रोग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है, यह भी हमें ज्ञात होता है। साथ साथ में बहुत से रोगों के विरुद्ध इंजेक्शन व औषधियाँ तैयार करने में हमें सहायता मिलती है, और रोगों से बचाव के लिए टीकों का निर्माण जीव विज्ञान की मदद से हो पाया है। तो इस तरह से हम इस आंसर को लिख देंगे, और जो कि है 3 नंबर का। मॉडल पेपर का अगला प्रश्न है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, अर्थात जैव उर्वरक किस प्रकार से जो मृदा की उर्वरा शक्ति है इसे बढ़ाते हैं। उत्तर लिखने के लिए आप हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 5 का ग, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था जैव उर्वरक क्या है और ये मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। तो हम लिखेंगे जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु कवक तथा साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल होते हैं। अब है जैव उर्वरक निम्नलिखित प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया की कई प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करके इसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिणत कर देती हैं यानी परिवर्तित कर देती हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों में, चाहे वो नाइट्राइट हो चाहे नाइट्रेट हो। ऐसे ही अगला पॉइंट हम लिखेंगे
सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में बनते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। साथ साथ में एक पॉइंट और लिख देंगे कि कुछ मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजियोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे, कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं, जो मृदा से जल, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्व अवशोषित करके पौधे को पहुंचाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि में सहायता मिलती है। तो तीन नंबर का क्वेश्चन था, हमने तीन बड़े बड़े पॉइंट लिख दिए हैं। अगर छोटे पॉइंट लिखते तो हमें छः लिखने होते, लेकिन हमने बड़े पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए तीन पॉइंट आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बैक्यूलोवायरसेस क्या है? बैक्यूलोवायरसिस यहाँ लिखा है, लेकिन यह सही प्रिंट होगा बैक्यूलोवायरसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी नया भी है। आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में जल्दी यह क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो अक्सर या आम चलन में नहीं होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी इसका आंसर जानते हैं वो हमें बताएं। तो इसके उत्तर के लिए आप हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 5 का घ, बैक्यूलोवायरसेस। बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं वो विशेष प्रकार के वायरस होते हैं और इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो आप उत्तर ऐसे लिखेंगे कि ये विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्यूलोवायरिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ये डीएनए वायरस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइडिया पोमोनेला ग्रेनुलो वायरस, साइडिया पोमोनेला ग्रेनुलो वायरस, ग्रेनुलो वायरस। तो ये नाम काफ़ी टिपिकल है, लेकिन आप याद कर लीजिए। और ये जो वायरस विशेष क्यों हैं, क्योंकि ये वायरस कीटों को संक्रमित करते हैं, अर्थात जो पेस्ट होते हैं यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन पर ये आक्रमण करते हैं। तो ये वायरस हमारे लिए यूजफुल वायरस हैं। ये वायरस क्या हैं, हमारे लिए यूजफुल वायरस हैं। अक्सर करके वायरस हमें नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन यह जो बैक्यूलो वायरस है या यूजफुल है, ये क्या करता है, कीटों को संक्रमित करता है और ये आकार में बहुत छोटे रॉड शेप के होते हैं। इनका प्रमुख उपयोग होता है कि इन्हें हम पेस्ट इंसेक्ट के नियंत्रण के रूप में करते हैं, अर्थात उन पर आक्रमण करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारी फसलों को खाने वाले कीट हैं वो मर जाते हैं। इनका उपयोग जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के निर्माण में भी किया जाता है और इनका उपयोग फसलों को कीटों से बचाने के लिए भी किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। साथ साथ में साइडिया पोमोनेला ग्रेनुलो वायरस भी आपको याद कर लेना है। ये बैक्यूलोवायरिडी फैमिली से आते हैं, विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो कि इंसेक्ट और कीट पतंगों पर आक्रमण करते हैं, कीट पतंगों को संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं, कीट पतंगों को संक्रमित करते हैं, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क, ख, ग और घ, ये सभी प्रश्न 3-3 अंक के थे, यानी ये 12 अंक के प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें भी आपको 4 देखने को मिलेंगे, क, ख, ग और घ, और ये सभी मिलके 12 अंक हमें दिलाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क, जिसमें लिखा है टिप्पणी लिखिए PCR और प्रतिबंधन एंजाइम पर। तो PCR का फुल फॉर्म आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के बीचों बीच हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 6 का क, जिसमें हम पहला करने जा रहे हैं PCR पर टिप्पणी। तो हेडिंग आपको डाल लेना है PCR। PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, अर्थात पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। यह उच्च तकनीकी पर आधारित, यह उच्च तकनीकी पर आधारित है, जिसके द्वारा डीएनए खंड अथवा जीन की हजारों प्रतियां कुछ ही घंटों में उत्पन्न की जा सकती है। तो देखिए कितनी यूजफुल है,
इसके द्वारा विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को इन विट्रो संश्लेषित किया जाता है। तो काफ़ी यूजफुल है कि इससे हम जीन के कई सारे क्लोन बना सकते हैं बहुत ही जल्दी से। इसका फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और यह एक विशेष तकनीकी है जिसके द्वारा हम डीएनए खंड अथवा जीन की हजारों कॉपी कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार की मशीन द्वारा होती है जिसे हम पीसीआर मशीन कहते हैं। पीसीआर के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। नंबर एक, किसी भी जीव की कोशिका की जीन की अनेक प्रतियां मिनटों में प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर दूसरा, पीसीआर किसी मानव में उपस्थित एकमात्र सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण को चिन्हित कर लेता है। मतलब एक अकेला सूक्ष्म जीव भी अगर वहाँ पे अटैक कर रहा है तो भी पता कर लेगा और इस तरह से बीमारी के निदान में अत्यंत सहायक होता है। अब हम बढ़ते हैं। अगला जो दूसरा पूछा गया था टिप्पणी वह था प्रतिबंधन एंजाइम क्या था। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है या प्रतिबंध एंजाइम क्या है? तो डीएनए को काटकर छोटे टुकड़ों में बदलने वाले विशेष एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। इन्हें जैविक कैंची भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैविक की कैंची किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम लगा सकते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। इन्हें अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है, तो ये भी आप इंग्लिश जाने अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो भी यही चीज़ है। और एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं, ये डीएनए के बाहरी सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए को भीतर से विशेष स्थान पर पहचान कर अनुक्रम को काटता है। इसकी विशेषताएं बात कर लेते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, यह वांछित एवं वाहक डीएनए को काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियोटाइड की संपूर्ण लंबाई में निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है न्यूक्लियोटाइड कितने लंबे हैं और यह अभिज्ञेय स्थल के प्राप्त होने पर दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फोरस बंधों के मध्य से काट देता है। पता चल जाता है जब स्थान को, तो ये काट देता है डीएनए को, जिससे क्या होता है लड़ियाँ भी अलग हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ख है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है? जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 6 का क और जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोग। यहाँ लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। नंबर एक, पादपों की उच्च प्रतिरोधकता, यानी इससे हम ऐसे पादपों को विकसित कर सकते हैं जिनमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पादपों की ऐसी प्रजाति विकसित की जा रही है जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु कम कीटों के संक्रमण तथा मिट्टी की लवणीयता सूखा आदि से लड़ने की या सूखा आदि को सहने की क्षमता अधिक होती है और इनके अंदर इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नंबर दूसरा है पादप जीन प्रारूप में परिवर्तन। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पुनर्योगज डीएनए को पादप जीन प्रारूप में प्रवेश कराकर पादप के अनेक लाभदायक जातियों में वृद्धि हार्मोन के संश्लेषण की दर बढ़ा दी जाती है जिससे जल्दी विकसित हो जाते हैं। पादप के वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं, इनमें से किसी एक का नाम आपको बताना है। जैसे एक नाम हमने बता दिया है जिब्रेलिन, और दूसरा आपको अब याद आ गया होगा, तो अब आप लिख देंगे कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो जिसका संश्लेषण अधिक हो जाता है, इस विधि से टमाटर प्याज तंबाकू गेहूं आदि की उत्कृष्ट प्रजातियां बनाई जाती हैं जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगला है पारजीनी या जीएम फसलें। तो ये अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें होती हैं जो अधिक शक्तिशाली और उत्पादक होती हैं। इनमें क्या होते हैं, वांछित जीन को डाल दिया जाता है जिनसे उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर पारजीनी मान करके उत्तर लिखा है क्योंकि पारजीनी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पारजीनी जंतु क्या है, इनका एक उदाहरण दीजिए। जबकि अगर परजीवी जीव आते हैं तो इनका तो बहुत कॉमन है और परजीवी का उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ लिखा है पारजीवी, तो ऐसे में हमने इसे पारजीनी मान करके उत्तर लिखा है। तो पारजीनी इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पारजीनी जंतु। तो चलिए पारजीनी जंतुओं के बारे में जान लेते। उत्तर संख्या 6 का ग, पारजीनी जंतु।
तो ऐसे जंतु जिन्हें उनके अनुवांशिक संगठन में अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर करके विकसित किया जाता है, अर्थात वह जंतु जो विजातीय यानी बाह्य जीन युक्त होते हैं, पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि जिनके अंदर हम बाहर से भी जीन इंटर करते हैं जो कि हमारे ऐच्छिक जीन होते हैं, जिनसे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है यानी वो नस्लें अच्छी हो जाती हैं, ऐसे जंतुओं को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जंतुओं में जीन स्थानांतरण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अनुवांशिक रोगों का उपचार हो जाए, जंतुओं द्वारा दुग्ध, मांस, ऊन आदि के उत्पादन में सुधार हो जाए और जीन चिकित्सा के उपयोग के लिए किया जाता है। अब एक उदाहरण पूछ रखा था, चूंकि कई उदाहरण हैं लेकिन आप एक उदाहरण डालेंगे कि जीन परजीनी जंतु का एक प्रमुख उदाहरण है परजीनी चूहे। तो टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा की जाँच के लिए पारजीनी चूहों का विकास किया गया, जैसे पोलियो की टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि कोई टीका मानव पर कैसा रिएक्ट करेगा तो उससे पहले पारजीनी चूहों पर इसको उस टीके को लगा करके प्रयोग करके देख लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है 6 का घ। पहला है इसमें, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या अंतर है, और दूसरा है एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक जंतुओं में यानी बायोस्मी और अंतरोस्मी में क्या अंतर है, यानी ऐसे जंतुओं में आपको अंतर बताना है। तो हेडिंग डालिएगा उत्तर संख्या 6 का घ। पहला है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। एक तरफ हम लिखेंगे शीत निष्क्रियता और दूसरी तरफ लिखेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव, चूंकि बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है तो बचने के लिए अधिक अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं, और कुछ जीव ग्रीष्म ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए अधिक अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। यह निष्क्रियता पूरी अवधि चलती है यानी पूरी शीत ऋतु भर इनको शीत निष्क्रियता में रहेगा, जबकि ग्रीष्म निष्क्रियता में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है जंतु जो हैं वो ग्रीष्म निष्क्रियता से बाहर आ जाते हैं, यानी ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया है ये और ये छोटी प्रक्रिया है। यह होती है जैसे भालू और गिलहरी में, और यह होती है मोटी पूंछ वाले लीमर, टाइगर, सेलामेंडर आदि में, क्योंकि यह जो है वो उन्हीं में पाई जाएगी जो रेगिस्तानी स्थानों पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो शीत निष्क्रियता है वो पाई जाएगी जैसे पर्वतों पर रहते हैं या जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ के जंतुओं में होते हैं। तो जो इनमें इन इसमें जो जंतु गर्म जगहों पर आराम करते हैं या सुप्तावस्था में चले जाते हैं, और इसमें जीव ठंडी या छायादार स्थान पर जा कर के आराम करते हैं। और दूसरा पूछा था बायोस्मी और अंतरोस्मी में अंतर, तो उत्तर संख्या 6 का घ। दूसरा, बायोस्मी और अंतरोस्मी में अंतर, एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म्स में अंतर। तो बायोस्मी में ये ठंडे रुधिर वाले होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और अंतरोष्मी ये गर्म ब्लडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, गर्म ब्लडेड, जैसे हम लोग गर्म खून वाले लोग हैं तो ऐसे गर्म ब्लडेड होते हैं, या हम कह सकते हैं वार्म ब्लडेड, और ये कोल्ड ब्लडेड। ये अपने शरीर का ताप नियमन करने में असमर्थ होते हैं, मतलब इनका क्या होता है, टेम्परेचर अगर घटेगा तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर घट जाएगा, इसीलिए इनको विषम तापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम तापी। इनका टेम्परेचर जो है वो समान नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, ज़्यादा ठंडक हुआ तो इनका टेम्परेचर गिर गया और गर्मी हुई तो इनका टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे एग्जांपल में मछलियाँ, उभयचर आदि। ऐसे ही अगर अंतरोष्मी की बात करें तो ये गर्म खून वाले जंतु होते हैं, ये अपने शरीर का ताप नियमन कर सकते हैं, मतलब जैसे हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम पूरी कोशिश करते हैं हम आप कि 37 डिग्री ही रहे, ऐसे में हम कपड़े भी पहनते हैं, ये तो बाहर से हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो भी पूरा का पूरा नियमन करने का प्रयास करती है, और चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो या बाहर चाहे जितनी भी ठंडी हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 का 37 बना रहता है, इसीलिए ऐसे जीवों को समतापी भी कहते हैं, अर्थात इनका तापमान समान रहता है जैसे पक्षी और स्तनधारी। तो हमने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया, जिसमें दोनों के अंक 12-12 थे, अर्थात हमने कुल 24 अंक इस पार्ट में सॉल्व किए, और इसके आगे के क्वेश्चन हम
अगले भाग में देखेंगे। रही बात कुछ क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला डाउट होता है कि फिगर पेन से बनाएं, पेंसिल से बनाएं या स्केच पेन से बनाएं। तो यहाँ फिगर देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो पेंसिल से ही फिगर बनाने की घर पर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है, यानी चित्र बनाने में आपसे त्रुटियाँ नहीं हो रही हैं, तो आप पेन से भी चित्र बना सकते हैं। लेकिन अगर पेंसिल से चित्र बना रहे हैं तो पेंसिल जो है वो डार्क होनी चाहिए, जिससे कोई पूरा का पूरा चित्र स्पष्ट दिखे। ऐसा ना हो कि पन्ने का थोड़ा सा रगड़न अगर पड़ता है तो चित्र गायब हो जाए। यानी चित्र स्पष्ट दिखना चाहिए, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा कि आप स्केच पेन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा आर्ट नहीं बना पाते हैं या चित्र आपसे अच्छे नहीं बनते, तो आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी चित्र पे आपका हाथ सेट हो चुका है तो आप पेन से ही बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोड़ देने के लिए हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जबकि बाकी किसी भी चित्र को बनाते समय हमने पेंसिल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आराम से ये छोटी छोटी डॉटेड जो हैं वो हमसे पेन से बन जा रही थी, तो इसमें पेंसिल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी क्षमता क्या कहती है, कि आपको पेंसिल बनाना चाहिए, पेंसिल से बनाना चाहिए या स्केच पेन से। रही बात कुछ जो मित्र क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर यही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बता दें ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्वेश्चन कुछ इसी स्तर के रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिले। और यह भी संभव है कि इस पेपर में से आपको 5-6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिले। तो इस पूरे मॉडल पेपर को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए। पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है, साथ साथ में इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आपने अभी तक रुद्रानंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिएगा, साथ साथ में अपने मित्रों के साथ भी हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।